क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एड द एलजीब्रेक एक्सप्रेशन। ये हमको दो एलजीब्रेक एक्सप्रेशन दिया है, एक है -13x+20 और सेकेंड है 22xy-7y+20। ये दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। आइए दोनों को ऐड करते हैं, -13x+20+22xy-7y+20x। ठीक है, ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 13x। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20x है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये दोनों लाइक टर्म को हम एक साथ लिखेंगे, -13x+20x। ठीक है, उसके बाद और कोई लाइक टर्म है, इस तीनों में नहीं है, ये तीनों एक दूसरे से अनलाइक टर्म है, तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे, +22xy-7y+20। स्टूडेंट्स, हमेशा यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो कांस्टेंट टर्म है उसे लास्ट में लिखा जाता है। यहाँ पे 20 पहले है, ठीक है, तो आप हमसे पूछ, आपको दिक्कत होता होगा समझ में कि ये मैंने 20 को लास्ट में क्यों लिखा। कोई भी अगर एलजीब्रेक एक्सप्रेशन अगर लिखते हैं तो दो तीन बातों को ध्यान रखते हैं। सबसे पहले, अगर इसका कोई एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। दूसरी बात, कॉन्स्टेंट टर्म को हमेशा हम लास्ट में लिखते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अब ये और ये दोनों लाइक टर्म है, चलिए इसको प्लस करते हैं, तो +20x है और -13x है, तो साइन होगा प्लस का, प्लस क्या हो जाएगा, 7x। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 20 में से 13 माइनस किए 7 हो गया, और साइन रहेगा बड़े का, तो ये हो गया +7x। अब यहाँ पे तो ये तीनों लाइक अनलाइक टर्म है, तो इसे हम प्लस नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, +22xy-7y+20। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि फाइंड द एलजीब्रेक एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपको एक एलजीब्रेक एक्सप्रेशन दिया है, 2ab+2bc+2c है। व्हेन ए इजक्वल टू 2 एंड बी इजक्वल टू -1 एंड सी इजक्वल टू 1। इसमें ए के जगह पे हमको 2 पुट करना है, बी के जगह हमको -1 वैल्यू रखना है और सी के जगह पे 1 रखना है। तो आइए इस वैल्यूज को इस एलजीब्रेक एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले एलजीब्रेक एक्सप्रेशन लिखते हैं, 2ab+2bc+2ca। मैंने इस एलजीब्रेक एक्सप्रेशन को जस्ट यहाँ पे रिपीट कर दिया। अब इस वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे, 2 × ए है, ए के जगह पे कितना पुट करेंगे, 2, ठीक है, × बी के जगह पे हम कितना पुट करेंगे, -1। ये आपका पहला डाटा हो गया, इतना का ये हो गया, +2 × बी के जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 × सी के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1। ठीक है, इसका वैल्यू ये हो गया। फिर +2 × सी के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई ए के जगह पे क्या पुट करेंगे, 2। ठीक है, तो इस वैल्यूज को मैंने इस एलजीब्रेक एक्सप्रेशन में सारे वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, 2 × 2 = 4 प्लस में होगा, यहाँ पे माइनस, तो ±, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। फिर से समझिए, ये 2 प्लस में है, ये भी 2 प्लस में है, तो +++ हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस और ये ब्रैकेट में माइनस है, तो ±, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -4 प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 × 1 = 1, 2 में 1 से करेंगे तो 2 ही होगा, लेकिन ये माइनस में होगा, तो ये हो गया -2। फिर प्लस,
यहाँ पे टू टू जा फोर, ये तो तीनों प्लस में है तो यहाँ पे हम फोर लिख देंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस फोर प्लस माइनस माइनस टू प्लस फोर, तो ये दोनों डाटा माइनस में है तो दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस फोर, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस सिक्स में से प्लस फोर गया तो माइनस टू। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, ये था क्वेश्चन नंबर 12। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इवेल्युएट 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस 5 डिवाइडेड बाई बी फॉर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू माइनस टू। यानी इसमें ए के जगह पे हमको 1 लिखना है और यहाँ पे बी के जगह पे माइनस टू वैल्यू पुट करके इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, आइए पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाई ए के जगह पे मैं क्या लिखूँगा 1 प्लस 5, बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे माइनस टू। क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे माइनस टू हो जाएगा, 1 और 2 में करेंगे तो माइनस टू और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन दिए, माइनस टू कट जाएगा, 1 होगा, 1 में 5 से करेंगे ये हो जाएगा आपका 5। अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स में से 5 गया माइनस 1, माइनस सिक्स में से 5 गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2, ये माइनस भी कैंसिल्ड हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1/2। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सब्स्ट्रैक्ट 1-2x² फ्रॉम एक्स के पावर 3 प्लस 5x² प्लस एक्स प्लस 1। यानी इस डाटा को सब्स्ट्रैक्ट करना है इस डाटा से। तो आपको मैं पहले भी बतला चुका हूँ कि हमेशा फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन दिया है उसको हम पहले लिखते हैं और इसको हम बाद में लिखेंगे। आइए इसको सबसे हम पहले लिखते हैं। तो एक्स के पावर 3 प्लस 5x² प्लस एक्स प्लस 1, सब्स्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन दिया, कौन सा डाटा को, इस डाटा को सब्स्ट्रैक्ट करना है, इसको लिख दिया 1-2x². ठीक है, तो ये हो जाएगा x के पावर 3 प्लस 5x² प्लस x प्लस 1। इस डाटा को मैंने ऐसे ही उतार दिया, यहाँ पे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है प्लस माइनस माइनस 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2x². ठीक है, अब इसमें लाइक टर्म को हम एक साथ लिखेंगे। देखिए ये लाइक टर्म कौन सा है, सिर्फ ये है और ये है, अब बाकी सारे अनलाइक टर्म है, ये दोनों तो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, इस दोनों को कैंसिल कर दीजिए प्लस 1 अब माइनस 1 को। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स के पावर 3 प्लस 5x², इस डाटा को हम एक साथ लिखेंगे प्लस 2x² और प्लस एक्स, ये तो दोनों कैंसिल्ड हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स के पावर 3 प्लस 5x² और 2x² 7x² प्लस एक्स। ठीक है, तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक्सपोनेंट को हमेशा हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स का एक्सपोनेंट पावर कितना है 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक्स का पावर कितना है 1, तो बिल्कुल सही है। हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं एक्स के पावर 3 प्लस एक्स प्लस 7x², हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि कभी अगर एक्सपोनेंट में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एक्सपोनेंट को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। अगर कोई डाटा या कोई टर्म आगे पीछे भी आता है तो उसको हम रीअरेंज कर लेंगे, आंसर पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि सिंप्लीफाई 5x-3y-x-2y। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम बॉड मास यूज करेंगे। बॉड मास
सबसे पहले हम ब्रैकेट को खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट एक ब्रैकेट या फिर दो ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट है, ये पूरे को भी ब्रैकेट में दिया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर बहुत सारे ब्रैकेट हो तो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे हम बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी ये ब्रैकेट खोलते हैं ये माइनस साइंस को चेंज करके, बाकी सब डाटा को एट इट इज लिख देंगे। 5x माइनस ये ब्रैकेट में हो जाएगा 3y, अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है और माइनस, तो प्लस माइनस, माइनस एक्स माइनस और माइनस प्लस 2 into y, ये ब्रैकेट आपका खुल गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका 5x माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये दोनों को हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 5y, 3y प्लस 2y 5y, लेकिन ये तो अनलाइक टर्म है तो इसको हम इसी तरह से उतार देंगे, माइनस x, और फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5x, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस, माइनस 5y, माइनस और माइनस, प्लस x, ठीक है। अब फिर अब ये और ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये दोनों को हम एक साथ प्लस करके लिखेंगे, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो 5x प्लस में और 1x प्लस में, ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 6x माइनस 5y। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि सब्स्ट्रैक्ट एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4 फ्रॉम 2x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई के पावर 4, यानी इस डाटा को इस डाटा में से माइनस करना है। तो हम फ्रॉम के बाद वाले जो एलजीब्रेक एक्सप्रेशन का पार्ट है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो आइए इसको लिखते हैं, सबसे पहले ये हो जाएगा आपको 2x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई के पावर 4, सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस का साइन दिए, इस डाटा को लिखेंगे एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 2x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई के पावर 4, इस डाटा को मैंने ऐसे ही उतार दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस, माइनस एक्स के पावर 4, ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस, प्लस वाई के पावर 4। अब इसमें लाइक टर्म को हम एक साथ लिखेंगे, देखिए यहाँ पे है आपका एक्स के पावर 4 और यहाँ है एक्स के पावर 4, ये दोनों लाइक टर्म है, एक साथ लिखेंगे 2x के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 4, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों डाटा कैंसिल्ड हो जाएगा, यहाँ पे है y के पावर 4, यहाँ पे प्लस है y के पावर 4, तो ये दोनों कैंसिल्ड हो गया। अब क्या बच गया आपको, यहाँ पे बच गया प्लस x के पावर 2 y के पावर 2, ठीक है। अब ये लाइक टर्म में से इसको माइनस करेंगे, 2x के पावर 4 में से 1x के पावर 4 गया तो एक बच जाएगा x के पावर 4, प्लस साइन होगा क्योंकि 2 जो है प्लस में है और ये माइनस में है, तो 1x के पावर 4 जिसका साइन क्या होगा, प्लस में, प्लस एक्स के पावर 2 वाई के पावर 2, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, या इसमें देखिए कोई डाटा कॉमन है, यस कॉमन है, क्या दोनों में कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हम बाहर कर दें तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स के पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा और 2 2 एक्सपोनेंट प्लस हो जाता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x पावर 4 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। तो या तो आंसर हम ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, दोनों ही आंसर सही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इफ x इज इक्वल टू माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 माइनस 3 ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स, यानी इस डाटा में x का वैल्यू माइनस 2 पुट करना है, तब
इसको सॉल्यूशन निकालना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आइए निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 3 5 माइनस एक्स के जगह इसका वैल्यू कितना दिया है माइनस 2, तो यहाँ पे हमने माइनस 2 पुट कर दिया। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 3 ब्रैकेट में 5 माइनस माइनस प्लस 2। ये इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 और 2 7। ये बराबर हो जाएगा 18 माइनस 7 3 जा 21। आंसर क्या आ जाएगा माइनस 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू गेट ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कितना हम ऐड करें कि ए माइनस बी द होल स्क्वायर आए। तो मान लेते हैं कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम एक्स ऐड करते हैं तो हमको ये रिजल्ट मिलता है। तो लिखते हैं लेट एक्स बी एडेड टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस डाटा में मैंने एक्स को ऐड किया टू गेट, तो हमको क्या मिला ए माइनस बी द होल स्क्वायर। इस डाटा में मैंने एक्स ऐड किया तो कैसे लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मैंने ये एक्स ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, तो हमको क्या मिला ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो यही एक्स का वैल्यू हमको निकालना है कि कितना मैंने ऐड किया। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों डाटा उस साइड में जाएगा, तो यहाँ पे पहले से क्या पड़ा हुआ है ए माइनस बी द होल स्क्वायर, तो ऐसे ही लिखेंगे इसको ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस है उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसको मैंने इसका सॉल्यूशन मैंने ये लिख दिया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों को ऐसे ही उतार दिया। अब यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल्ड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा माइनस टू ए बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अगर माइनस टू ए बी अगर हम ऐड कर दें तो हमको ये डाटा मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट शुड बी एडेड टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू गेट ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इस डाटा में हम कितना ऐड करें कि हमको ए मिले। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा जो पीछे मैंने बतलाया था कि लेट एक्स बी एडेड टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू गेट ए प्लस बी द होल स्क्वायर। मान लीजिए इस डाटा में मैंने एक्स ऐड कर दिया, एक्स ऐड कर दिया तो हमको ये मिला। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसमें मैंने x ऐड कर दिया ये, तो हमको क्या मिला a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ये x का वैल्यू निकालना है। चलिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, ये डाटा इज ये पूरे डाटा को हम उस साइड में करेंगे, ये तो डाटा पहले से यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ऐसे ही लिखेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर। ए स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में है उस साइड में जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टू ए बी है उस साइड में जाएगा तो प्लस टू ए बी, ठीक है। अब ये इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए प्लस बी द होल स्क्वायर की जगह पे हम ये लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर।
इसको ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब लाइक टर्म को एक साथ रख लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे प्लस टू ए बी है, यहाँ पे प्लस टू ए बी है, तो दोनों लाइक टर्म है, एक साथ करेंगे तो फोर ए बी, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, इसका आंसर क्या होगा, फोर ए बी, यानी फोर ए बी अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हमको ए प्लस बी द होल स्क्वायर मिलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2p माइनस 1/2q इफ p माइनस q इज इक्वल टू 32। पी माइनस क्यू का वैल्यू दिया है 32, तो इसमें तो p और q का दिया नहीं है, p माइनस q दिया है, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, p बाई 2 माइनस q बाई 2, दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में p से मल्टीप्लाएंगे p, माइनस 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में q से मल्टीप्लाई करेंगे q, तो ऊपर कितना आ गया, p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे p माइनस q का वैल्यू कितना दिया है, 32, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32 और डिवाइडेड बाई 2, कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 16। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। Thank you.